बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हम समझते हैं कि ये हमेशा के लिए हैं, मगर शायद उनकी ज़िंदगी के लिए हम उतने ज़रूरी नहीं होते जितने हम ये समझते हैं कि हमारे लिए वो ज़रूरी हैं। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं करता है, आपकी अहमियत नहीं करता है, आपको टाइम नहीं देता, आपको अटेंशन नहीं देता, आपके इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल नीड्स के लिए वो अवेलेबल नहीं है, अगर वो शख्स या वो सिचुएशन आपको ड्रेन कर रही है, आपके अंदर से आपको अपने अंदर कमतरी महसूस करा रही है कि आप वर्थ इट नहीं हैं, आप हर खूबसूरत चीज़ के डिज़र्विंग हैं, आपको आपके अल्लाह ने कंप्लीट बनाया, कोई शख्स आपको चाहे या ना चाहे, कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में हो या ना हो, उसके होने या ना होने से आपकी वैल्यू आपके अल्लाह की नज़रों में कम या ज़्यादा नहीं होगी। आपकी वैल्यू आपके अल्लाह की नज़रों में तब बढ़ेगी जब आप अपने आप को उसका समझेंगे और उसकी मोहब्बत के लिए आगे बढ़ेंगे। वो मोहब्बत जो आपको अल्लाह का शुक्र कराए, आपको सुकून दे, वो मोहब्बत वो आपको देगा। मगर आप ना किसी की छीन सकते हैं मोहब्बत, ना किसी के बारे में बुरा सोच सकते हैं। मोहब्बत करने का सबसे बड़ा स्टेप ये है कि जिससे आप दिल से चाहें उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें, उसको जाने दें। वो अगर आपकी लाइफ में पलट कर आएगा तो आएगा, क्योंकि खुदा उसको लाएगा, और अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो मोहब्बत उस वक्त के लिए थी और आगे वो मोहब्बत आपके दिल के लिए, बट उनको जाने दीजिए।